कोरोना महामारी के बीच 107 दिनों बाद हिमाचल में सोमवार से स्कूल खुल गए हैं। 10वीं से 12वीं तक के कक्षाओं के बच्चे नियमित तौर पर स्कूल पहुंचे। विद्यार्थियों के आने व जाने के समय में भी 10 से 15 मिनट का अंतर रखा गया है ताकि कोविड के प्रकोप को रोका जा सके। वहीं सभी प्रधानाचार्यों को SOP का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थी परामर्श के लिए स्कूल आ सकेंगे। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रधानाचार्यों को SOP का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षण संस्थानों में कोविड के मामलों पर नजर रखने के लिए जिला स्तर पर बनाई गई कोविड कोऑर्डिनेंस कमेटी को औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिमला स्थित गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालपानी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि स्कूल खुलने से बच्चे और अध्यापक काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बच्चों से बात की तो बच्चों ने कहा कि अब उनकी पढ़ाई और भी अच्छे से हो पाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल में प्रदेश सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जा रहा है, सारी व्यवस्था अच्छे से की गई है। वहीं उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि कोरोना अब जल्द से समाप्त हो जाए ताकि इसी तरह स्कूलों में बच्चों की रौनकें लगी रहे। सबसे पहली बात तो यह है कि स्कूल खुलने पर बच्चे बहुत खुश हैं और साथ में टीचर भी बहुत खुश हैं, और ऐसे लग रहा है कि बच्चे और टीचर जब आपस में मिल रहे हैं लग रहा है पता नहीं कितनी सदियों के बाद मिले हैं। और आज यहाँ पर स्कूल में आके लग रहा है कि टीचर्स के चेहरे पर भी बहुत प्रसन्नता और बच्चे भी बहुत प्रसन्न हैं। और मैंने बच्चों से बात की तो मैंने कहा बच्चे घर में मजे थे या स्कूल में, तो बच्चे कहते स्कूल में। तो हमने पूछा कि पढ़ाई घर में अच्छी थी कि स्कूल में, कहते स्कूल में आके पढ़ाई और अच्छी होगी। तो देखिए अब हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि कोरोना के मामले बढ़ने नहीं चाहिए जिसके कारण से ये सारी स्थिति पैदा हुई है, और स्कूल हमारे ठीक प्रकार से चलते रहें, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती रहे। और बच्चे आज जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो मैंने देखा कि जो SOP बनाया गया है उसी SOP के आधार पर स्कूल के अंदर हमारी भी एंट्री हुई है। स्कूल में आते ही बच्चों का थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, थर्मल स्कैनिंग के बाद सैनिटाइज़र लगा के रखे हैं, और फिर क्लासरूम को जाकर के हमने देखा क्लासरूम को सैनिटाइज किया गया है, और टॉयलेट्स को दिन में 2 बार सैनिटाइज करने के आदेश दिए जा चुके हैं, और फिर स्कूल ने अपना माइक्रो प्लान अलग से बना रखा है। और ये हमने पूरे स्टेट में कहा है, हर स्कूल अपने स्कूल के व्यावहारिक स्थिति के आधार पर ही अपना वहाँ का जो कोविड प्रोटोकॉल है और सब चीज़ों को माइक्रो प्लान को तैयार करे वो किया है। तो सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। आज केवल मात्र हम तो विधानसभा की ओर जा रहे थे तो जाते जाते लगा कि ये शिमला का, मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश का शायद सबसे पुराना स्कूल हो सकता है जो 1848 का है और ब्रिटिश के समय का चला है, और ये भवन भी लगता है कि उसी ज़माने का होगा। तो हमको लगा कि स्कूल को देख करके जाना चाहिए, और हमको बहुत अच्छा लगा बच्चों से और यहाँ के सभी अध्यापक अध्यापिकाओं से मिल करके भी, तो बाकी सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल उचित है। बॉयज स्कूल धर्मशाला के प्रिंसिपल अनीश बन्याल ने कहा कि कोविड का दौर चल रहा है, ऐसे में सोमवार से स्कूल खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले दिन 60 से अधिक बच्चे 11वीं व 12वीं के पहुंचे हैं जबकि 10वीं का कोई स्टूडेंट नहीं आया है। स्टूडेंट्स की थर्मल स्कैनिंग, हैंड सैनिटाइजेशन करवाकर बाहर ही हाजिरी लगाई गई है। कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह से अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट को भी मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजेशन और वाटर बॉटल साथ लाने, किसी से भी टिफिन व किताबें शेयर न करने की हिदायत जारी की गई है। बच्चों की जो फिजिकल डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे, उसके साथ कोई समस्या ना आए, तो हमने उसके लिए जो प्रबंध किए हैं उसमें हमने जो साइंस टीम के बच्चे हैं वो साइंस ब्लॉक में ही जाएंगे डायरेक्ट, जैसे एंट्री होती है उनकी। आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम में जाएंगे, टेंथ के बच्चे टेंथ क्लास में जाएंगे, कॉमर्स के कॉमर्स स्ट्रीम में जाएंगे। तो जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा कि जैसे ही बच्चा स्कूल में आता है उसको सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हमने उनका 1 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन किया है। उसके बाद सबसे पहले उनका थर्मल स्कैनिंग की है कि किसी का टेम्परेचर तो नहीं है। उसके बाद हमने उनका हैंड सैनिटाइजेशन का जो है वो हैंड सैनिटाइज किए हैं उनके। उसके बाद हमने रोल नंबर जो इनकी अटेंडेंस है वो एक जगह ही टीचर के द्वारा ली गई है। उसके बाद उनको यहीं से गाइड करते हुए जहां जहां उनके बैठने की व्यवस्था की गई वहां पर उनको बिठाया गया है। वहीं नमहोल स्कूल के प्रधानाचार्य निर्मला पंवर ने बताया कि लंबे समय के बाद आज फिर से स्कूल खुले हैं। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। वहीं बच्चों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई में उन्हें काफी समस्या आती थी, काफी बार नेट समस्या या अन्य आ जाती थी, लेकिन स्कूल खुलने से अब वे काफी खुश हैं। अब अध्यापकों के साथ किसी प्रश्न के ऊपर खुलकर बातचीत कर सकते हैं। आज जो है तो
अगर 2021 को बहुत लंबे समय के बाद स्कूलों में दोबारा से विद्यार्थियों का आना हुआ है और इस दौरान हमने जो भी सरकार की गाइडलाइंस थी उन सभी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बच्चों के सिटिंग का, बच्चों के अराइवल का टाइमिंग, बच्चों के लंच ब्रेक टाइमिंग जो है वो एडजस्ट किए हैं। हमारे कुछ क्लासेज जो हैं, जैसे हमारी प्लस वन क्लास जो है वो सुबह पहुँच जाएगी 8:45 बजे, 15 मिनट उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, उसके बाद वो 9 बजे से अपनी कक्षा के कमरे में जाएंगे। और प्लस टू क्लास जो है उसका अराइवल टाइम हमने 9:30 से रखा है और 10वीं क्लास का जो है वो 9:15 से रखा है। तो इस तरह से हमने पूरी तरह से स्टैगरिंग जो है वो बच्चों के अराइवल टाइमिंग में की है। और क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है बच्चों की, तो इसलिए हमने उनको ग्रुप्स में भी डिवाइड किया है कि कुछ रोल नंबर जो है वो सोम मंगल बुधवार को आएंगे और अदर रोल नंबर जो है वो वीर शुक्र शनिवार के दिन स्कूलों में आएंगे। लंच टाइमिंग जो है उनको भी स्टैगरिंग की है। उससे पहले हमने पूरे विद्यालय को सैनिटाइज किया है, सभी कमरों का, सारे टॉयलेट्स का अच्छे तरह से सैनिटाइजेशन किया गया है। ये वाली स्टडी सही है क्योंकि ऑनलाइन स्टडी में कई बार नेट प्रॉब्लम हो जाता था और कई बार क्लास नहीं लग पाती थी जिस तरह से लगनी थी। तो अब स्कूल आकर कुछ अच्छा लग रहा है, होप आई है कि नहीं हम कुछ प्लस टू में अच्छा कर सकते हैं, अच्छे नंबर से पास। क्योंकि क्लासेस में टीचर फेस टू फेस समझाते हैं तो समझ में आता है, बट ऑनलाइन क्लासेस में कई बार बहुत काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि नेटवर्क प्रॉब्लम, कभी नहीं खुला और सुनाई भी लेता नहीं कई बार, और अच्छी तरह से समझ भी नहीं आता और आगे भी प्रॉब्लम आती है पढ़ाई में। बहुत मतलब अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन उतनी ठीक नहीं लग पाती थी क्योंकि फ़ोन से 4-4 घंटे क्लासें लगी तो आंखों में फर्क पड़ रहा था, तो अब स्कूल खुले हैं तो आशा है कि आगे चलें ठीक रहे ऐसी। हमीरपुर मुख्यालय स्थित सीनियर सेकेंडरी कन्या विद्यालय में छात्राओं के स्कूल पहुंचने पर जहां थर्मल स्कैनिंग की गई तो कक्षाओं में भी छात्राओं को एक दूसरे से सामाजिक दूरी पर बिठाया गया ताकि कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत कक्षाएं लगाई जा सके। इस दौरान छात्राओं ने बताया कि अध्यापक उन्हें ऑनलाइन भी पढ़ा रहे थे लेकिन स्कूल में आकर उनकी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। विद्यालय के प्रधानाचार्य विजय गौतम ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत स्कूल में कक्षाएं शुरू की गई हैं और बच्चों का भी अच्छा रिस्पांस है। उन्होंने बताया कि बच्चों में भी स्कूल आने के लिए अच्छा उत्साह देखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का स्कूल खोलने का निर्णय बेहद सराहनीय है। एक्साइटेड थे इतने दिनों बाद स्कूल तक आने से, तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस से थोड़ा मतलब जैसे स्कूल में क्लासेस होते थे अलग एक्सपीरियंस और अच्छे से समझ भी आता सब कुछ। ऑनलाइन में लेजीनेस होती थी, कभी कंसंट्रेशन लग रहा है, बेड पे लेट के पढ़ रहे हैं, टीचर से देखते नहीं थे, लेकिन अभी जब स्कूल में आए तो एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई हो रही है और अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है। आज सुबह से ही सभी अध्यापक इस इंतजार में थे कि बच्चे स्कूल आए, एक बड़ा उत्साहित माहौल हमारे स्कूल में चल रहा था। बच्चे 8:30 के बाद आना शुरू हो गए, गेट पे हमने उनकी थर्मल स्कैनिंग की, उसके बाद गाइडेंस के लिए हमें उन्होंने ग्राउंड में जो हमारे डीपी साहब थे और डॉक्टर जेपी शर्मा जी, उन्होंने ब्रीफ किया कि क्या क्या प्रोटोकॉल उन्होंने फॉलो करना है। सिटिंग प्लान के बारे में उनको बताया गया और उसके बाद बच्चे क्लासेस में गए, रेगुलर पढ़ाई शुरू हो गई है। बच्चों में आज खासा उत्साह था और अभिभावक भी कुछ उनको छोड़ने आए थे, वो प्रसन्न थे कि आज स्कूल लग गए हैं। सिरमौर जिला के स्कूलों में पहले दिन कम संख्या में छात्र स्कूल पहुंचे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शमशेर नाहन के प्रधानाचार्य मानसिंह ठाकुर ने बताया कि विभाग के निर्देशानुसार स्कूल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। स्कूल में दाखिल होने से पहले बच्चों की थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। स्कूल में तीनों कक्षाओं के बच्चों की एंट्री अलग अलग निर्धारित समय पर की गई, साथ ही तीनों कक्षाओं की छुट्टी भी 10-10 मिनट के अंतराल में की जानी सुनिश्चित की है। वहीं लंबे अंतराल के बाद स्कूल पहुंचे छात्रों ने बताया कि वे स्कूल आकर काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। साथ ही पढ़ाई में जो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था वह भी अब दूर होगी। उन्होंने बताया कि स्कूल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। जैसे कोविड लॉकडाउन के बाद जो स्कूल रीओपनिंग के सरकार के आदेश आए थे, जिसमें आज से यानी 2 अगस्त से 10th, 11th और 12th क्लास के लिए सरकार ने ऑर्डर किए हैं कि इनकी रेगुलर क्लासेज लगेगी, उसके लिए नियमानुसार हमने माइक्रो प्लान बनाया और माइक्रो प्लान में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ उनकी थर्मल स्कैनिंग, उनका सैनिटाइज करना,
कमरों को दिन में दो बार सैनिटाइज करना, ये सारा कुछ बनाया गया है। और एंट्री का टाइम भी हमने प्लस वन का 9 बजे रखा है, प्लस टू का 9:10 पे, और दसवीं के बच्चे 9:20 पे स्कूल में एंटर करेंगे। और उसी तरह शाम को 2:40 पे 11वीं के बच्चे, 2:50 पे 12वीं के, और 3 बजे 10वीं के बच्चों का एग्ज़िट रखा गया है। दिन में जो ब्रेक उनके लिए रखी गई है 20 मिनट की, हर एक क्लास के लिए ब्रेक रखी है, और उस ब्रेक को भी हमने अलग अलग रखा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। टाइम टेबल उनका 1-1 घंटे का बनाया गया है 11वीं और 12वीं क्लास का, और 10वीं क्लास का टाइम टेबल वही 35 मिनट का रखा गया है। इसी तरह सरकार ने ये भी आदेश किया है कि 8वीं के बच्चे भी, अगर किसी को कोई डाउट क्लियर करना है, कोई उनको दिक्कत है पढ़ाई में, या जिनके पास स्मार्टफोन की सुविधा भी अच्छी नहीं है, वो भी स्कूल आ सकते हैं। उनके लिए भी हमने व्यवस्था की है, उनके लिए एक कमरा अलग से सैनिटाइज किया गया करके तैयार रखा गया है, और उनका टाइम टेबल बनाया गया है। उनमें बच्चे उस कमरे में बैठेंगे और वहाँ पर टीचर बारी बारी से हर सब्जेक्ट का टीचर जाएगा और बच्चों के जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर किया जाएगा। आज बहुत टाइम बाद स्कूल खुला है, मुझे बहुत खुशी हो रही कि स्कूल खुला है। 2 साल के बाद, मतलब 2 साल तक छुट्टी थी आज तक, तो मतलब स्टडी थोड़ी भी नहीं हुई। मतलब आज स्टडी थोड़ा पढ़ाया, बहुत पढ़ाया आज सरों ने, तो थोड़ा अच्छा कॉमर्स। और सर आज मेरे को ना सर बहुत अच्छा लगा स्कूल आके। ये सर इतना, सर जो इतना कोरोना ने इतना हाहाकार मचाया है, तो सर उसके चलते हमारी पढ़ाई में भी जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में बहुत वो हुआ है। तो सर अब जैसे आज हम स्कूल आए तो हमको अच्छा लगा,